बागों का शहर स्मोक का निशाना बने लगा। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 तक पहुंच गया। स्मोक के बायस गले और आंखों की बीमारियों का खदशा। तिब्बी माहरीन ने शहरियों को एहतियात करने की हिदायत कर दी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम तब्दील, दर्जा हरारत कम हो गया। शालामार रोड ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से मलहका हाइट सेफ्टी पिलर कंटेनर टकराने से गिर गया। हादसे में दो गाड़ियां जद में आ गई, तीन अफराद जख्मी, ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार। जख्मियों को शहरियों ने अपनी मदद के तहत अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक की रवानगी मुतासर रही। दाखिला एहसन भट्टी क्वारंटीन हो गए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल इरफान जिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस अनवर बरियार और गर्ल्स हाई स्कूल भोगन की एडमिनिस्ट्रेटर्स का टेस्ट भी पॉजिटिव निकला। रावण तबलीगी इज्तिमा का आज बातस नमाज़ी असर से आगाज। कोरोना के सबब इज्तिमा 30,000 की हाजिरी तक महदूद। बैरूनी मुल्क से वफूद की शिरकत पर भी पाबंदी। मुंतजमीन की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की यकीन दहानी। रेलवे पुलिस का इज्तिमा के पेश नज़र मुसाफिर ट्रेनों में आतिशगीर मादा और गैस चूल्हों की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद। रावण स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों पर रेलवे पुलिस कमांडोज भी तैनात। नाकिस कारकर्दगी या अपोजिशन की तहरीक, पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से कतराने लगी। इलेक्शन कमीशन के तमाम इंतजाम मुकम्मल होने के बावजूद हीले बहाने जारी। डेढ़ माह बाद भी नेबरहुड काउंसिल के नाम तजवीज नहीं किए जा सके। हल्का बंदियों की फहरस्तों की अशात का काम भी रोक दिया गया। 4,42,00,000,000 अखराजात का तखमीना, हुकूमत के मौके पर पसीना। नए बल्दियाती निजाम का नफाज सस्ता नहीं महंगा सौदा होगा। पंजाब के महकमा बल्दियात की तैयार की गई इब्तदाई अखराजात की फहरिस्त सिटी 42 मंजरियाम पर ले आया। ट्रांसपोर्ट पूल में 150 गाड़ियों की नीलामी से प्रोटोकॉल गाड़ियों की किल्लत। मेहमानों के लिए अफसरान से मांग कर लग्जरी कारों का इस्तेमाल मामूल बन गया। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी के सबब मुआवने खसूसी बराए इतला ताहाल बेकार। साबिक वजीर जेल जवार हसीब वड़ाद से वापस आने वाली गाड़ी पर 2 साल के कवान को देने का फैसला। पंजाब की 42 जेलों में 5,400 मुलाजमीन की शॉर्टेज। बहरान के बावजूद अफसरान की मौज मस्ती। महकमा जेल के 350 मुलाजमीन को घरों की ड्यूटी पर मुकर्रर कर दिया गया। लेस्को GSO सर्कल में करोड़ों रुपए के घपले। अफसरान की मिली भगत से कवायद के बरखिलाफ मनपसंद कंपनी को ट्रांसफार्मर ठीक करने का ठेका। 1 करोड़ से ज्यादा के मरम्मती अखराजात के बाद ट्रांसफार्मर 75 लाख रुपए में फरोख्त। कंपनी को 2.5 करोड़ नुकसान का खदशा। सिफारिशी कल्चर के खात्मे और सार्फिन की आसानी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट कंप्यूटराइज करने का फैसला। सॉफ्टवेयर तैयार। इब्तदाई तौर पर DHA ड्राइविंग सेंटर पर नए सिस्टम के तहत काम शुरू किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का गूंगे बहरे अफराद को ड्राइविंग की इजाजत देने का फैसला। जल्द कानून साजी की जाएगी। लाहौर में बुजदार मेट पहला मेगा मंसूबा। 3 माह की डेडलाइन वाला फिरदोस मार्केट अंडर पास 6 माह भी नामुकम्मल। वजीर आला बरहम, चीफ इंजीनियर की मौतली और LTA हुकाम को शोकॉस के बाद तामीराती काम की रफ्तार गैर मामूली तेज हो गई। हफीज सेंटर की बहाली का काम तेजी से जारी। बिजली की नई तंसीबात के लिए लेस्को और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स का अमला काम में मसरूफ। सदर सेंटर मलिक कलीम के मुताबिक इमारत का 78% हिस्सा आतिशबाजी से बच गया। कारोबार जल्द बहाल होने से कारोबारी मरकज की रौनकें वापस आ जाएंगी। जनरल अस्पताल की MRI मशीन खराब। टेस्ट के लिए मरीज इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस की MRI पर मुंतकिल। गैर मामूली रश के सबब मरीजों को आइंदा साल जनवरी तक का वक्त दिया जाने लगा। गैर कानूनी शादी हॉल्स और मार्केट्स, कब्जा माफिया का नया चाल। एंटी करप्शन की हरबंसपुरा सरकारी राशि पर काम शादी हॉल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई। मकामी पटवारी डेरा माह की ताज पैलेस, मदनी माह की नवाब पैलेस और रहमान शादी हॉल दीगर के रिकॉर्ड समय तलब। शोबिज शख्सियात की आमदनी पर FPR की कड़ी नजर। दुबई फ्लैट गोशवारों में जाहिर न करने पर गुलकार आतिफ असलम को 5,80,00,000 रुपए का इनकम टैक्स नोटिस भेजा गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। कोटा से स्मगल शुदा सामान लेकर आने वाला कंटेनर पकड़ लिया। कंटेनर से कुछ दूध, कपड़े और टायर की भारी खेप बरामद। पकड़े जाने वाले सामान की मालियत 6 करोड़ से ज्यादा करार।
नैब हंगामा राय केस में लीकी कारकुनान की जमानत, नाकिस तफ्तीश का कसूरवार, चूम का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन निकला। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास को मुअत्तल करके हेडक्वार्टर भेज दिया। नैब की मदयत में दर्ज मुकदमे में मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा नामजद थे। बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी, पंजाब पुलिस में 5,700 भर्तियों की मंजूरी। महकमा बल्दियात में भी 659 अफसरान भर्ती करने का फैसला। रिक्वायजिशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को इरसाल। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का सिटी 42 के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। तालीमी इदारों की बंदिश के लिए मुशावरत से मुतालिक खबर को वजीर तालीम पंजाब ने खुद से फैसले की ताबीर दे दी। बेबुनियाद ट्वीट, वजीर तालीम की कम इल्मी का शाहकार। जिम्मेदाराना सहाफत, सिटी 42 का बुलंद किरदार, हमेशा की तरह हकीकी खबरों तक ही रसाई रखी। पार्लियामेंटेरियन से असासों की तफसीलात तलब, मेंबरान ने असेंबली को अपने और शरीक के हयात, इसके साथ साथ बच्चों के असासों और सालाना वाजिबात की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। मुस्लिम लीग नून को माली बहरान का सामना, पार्टी सेक्रेटेरिएट में दफ्तरी उमूर की अंजामदही और मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए फंड्स की किल्लत पर चंदा मुहिम का आगाज। 37 अराकीन असेंबली और रहनुमाओं से रकम की डिमांड, दफ्तर की गैस अदम अदायगी पर पहले ही कट चुकी है। गंगाराम अस्पताल के पैरामेडिक्स का सर्विसेज स्ट्रक्चर वापस लेने की कोशिशों पर मुजाहमत का ऐलान। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोरोना ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन के लिए अलाउंस और अमला रेगुलेट करने के लिए काउंसिल के क्याम का भी मुतालबा। फेडरेशन चैंबर के बरसरे इकतदार ग्रुप में इख्तलाफात, नज़रअंदाज किए जाने के फैसलों में शरीक न करने पर शाह की सीनियर नायब सदर मियाँ जाहिद हुसैन ने अहदे से इस्तीफा दे दिया। बिजनेसमैन पैनल की रुकनियत छोड़ने का भी ऐलान। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ बाबजा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का एहतजाज, मुजाहरीन की फ्रांस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खुर्शीद अहमद बोले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी काबिल मुसम्मत है। फ्रांसीसी एशिया का बायकॉट करके उम्मत मुसलमा एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। मेंटल हॉस्पिटल के पैरामेडिक्स स्टाफ का भी गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। रहीम स्टोर की जानिब से सारफीन के लिए उम्रे की सादत का सुनहरी मौका। माहिर रबीउल अव्वल की 18वीं कुरानदासी में मजीद 4 खुश नसीबों के लिए उम्रे के टिकट। बाबर टाउन ब्रांच पर लिगी खातून रहनुमा बीबी वडेरी ने कुरानदासी की। पंजाब बार काउंसिल इंतखाबात के लिए सरगर्मियां जारी। अलमुस्तफा लायर्स फोरम के जेर तमाम सैयद असफर अब्बास शमसी के एजाज में तकरीब, शरीक वकला की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। और रोजाना 6 घंटे रक्स की मश, अदाकारा निगार चौधरी ने सुपर फिट्स के राह से पर्दा उठा दिया। कहा, शोबिस में फिट रहने और मयारी परफॉर्मेंस के लिए डांस में महारत बेहद जरूरी है।